What is machine learning and what are its different constituent parts? Machine learning is basically branch of computer science which is used for training of computing devices for known and unknown problems. Now what are these known and what are unknown problems? यहाँ पे जो टर्म आती है दैट कम्स ऑफ सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग. सुपरवाइज लर्निंग वो है जिसके अंदर हमारे पास ट्रेनिंग डाटा को लेबल्स लगा दिए जाते हैं एंड फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग ट्रेनिंग डाटा को लेबल्स नहीं लगाए जाते. सो इफ आई वॉन्ट टू डिफाइन मशीन लर्निंग इट वुड बी इट इज़ अ टूल और इट इज़ अ प्रोसेस फॉर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस क्राइटेरियन यूजिंग एग्जाम्पल डाटा और पास्ट एक्सपीरियंस. कि यानी कि जो हमारे पास करंट डाटा है उसकी मदद से या हमारे प्रीवियस एक्सपीरियंस की मदद से हम ट्रेन करते हैं कंप्यूटर को टू परफॉर्म सम एक्शंस. अब ये कौन से वो एक्शंस हैं या किस सिनेरियोज में वो यूज़ किया जाएगा. आर दे यूजफुल व्हेन वी आर मेकिंग सम सॉफ्टवेयर सच एज आवर पेरोल सिस्टम ऑफ अ लेबोरेटरी और सम ऑर्गेनाइजेशन. आंसर इज नो. ये मशीन लर्निंग का एप्लीकेशन या सब्जेक्ट उस वक्त अहम होगा when we are dealing with some machines where we need human intelligence. अगर वहाँ पर simple retrieval type queries हैं तो then they are not much useful. Rather, machine learning is useful when we have to deal with some intelligence. कि जहाँ पर हमने कोई patterns find out करने हैं we want to deal with unknown data and so on. अगर कोई इस तरह की information है तब machine learning useful होगी. So basically solution needs to be adopted to particular cases such as for bioinformatics or इन दिस केस यूजर बायोमेट्रिसेस. के मशीन लर्निंग के जो केसेज होंगे जो सोल्यूशन होंगे दे शुड बी स्पेसिफिक टू सम पर्टिकुलर केसेज और सिनेरियोज. व्हेन टू लर्न, कब हमें मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ती है. सबसे बड़ी जरूरत तब पड़ती है जब हमारे पास ह्यूमन की एक्सपर्टीज मौजूद ना हो. सच एज कि हमारे पास मार्स पे नेविगेट हम नहीं करना चाहते हैं और हम क्योंकि इंसान अगर हम मार्स पे नहीं गया ह्यूमन या ह्यूमन वहां पे नहीं पहुंच तो फिर हम मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन से नेविगेट कर सकते हैं ऑन मार्स. कि कौन सा पाथ होगा किस तरह का वहाँ का एटमॉस्फेयर होगा ये सब कंप्यूटर्स की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं. अदर वन इज ह्यूमंस आर अनेबल टू एक्सप्लेन देयर एक्सपर्टीज स्पीच रिकॉग्निशन में. जैसे फॉर एग्जांपल कि ह्यूमन अपनी एक्सपर्टीज नहीं डिफाइन कर सकते. फॉर एग्जांपल दे कांट से कि एक साउंड कैसे बनती है कि कौन से उसके एक्विस्टिक फीचर्स हैं कौन से उसके लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं. इस इंफॉर्मेशन को अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो मशीन लर्निंग के हेल्प अस. सिमिलरली देयर आर अदर सेवरल एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग. सो मॉडल इन मशीन लर्निंग व्हाट वी नीड टू हैव इज अ मॉडल. मॉडल बेसिकली क्या है कि जो हमारे नोन फैक्ट्स एंड रूल्स हैं उनकी मदद से हम एक मॉडल बना देंगे विच कैन एक्सप्लेन करंट डाटा एंड विच कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर डाटा ऑल्सो. अगेन दिस मशीन लर्निंग इट हैज सेवरल एप्लीकेशन इन नॉलेज डिस्कवरी ऑफ डाटा बेसिस विच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नॉलेज from databases and it helps us to identify valid, novel, potentially useful and ultimately understandable patterns in the data. अब ये patterns क्या होंगे ये हमें help करेंगे to understand and to differentiate one data set from the other data set. These are several applications of machine learning such as retail, finance, manufacturing and so on. What I would suggest is you can look at applications of machine learning by just trying it a query on Google or on Wikipedia and then you will look at come to know that there are several thousands of applications available of machine learning in different areas and also in bioinformatics. So how is machine learning connected to other fields also? Is it a standalone field or is it connected to other fields? Answer is that it has connection with other fields of study such as statistics, computer science, mathematics and so on. So what will happen if we have a good understanding of statistical algorithms then we can make good use of machine learning algorithms also. Similarly if we have a good source of computer science algorithms then this efficiency or machine learning application can be triggered or improved. So again applications of machine learning it is a very hot research area. It has application in natural language processing, computer vision, bioinformatics, medical outcome analysis, computational biology, robot navigation and control, and so on.